गुरुदेव, बेहतरीन पोषण के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 3 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि कई बार थोड़ा थोड़ा भोजन दिन में 5 या 6 बार करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि खाद्य तेल अच्छा है, कई कहते हैं कि घी भी अच्छा है, आप क्या कहेंगे गुरुदेव? आप किसी दवाई के दुकान में जाके बहुत अच्छा दवा मुझे दे दीजिए, बोले तो वो वहाँ की जो फार्मासिस्ट होगा वो क्या क्या कहेगा आपको? ठीक है, अच्छा, हमारी सभी दवाइयाँ अच्छा है, मगर आपको किस समस्या के लिए दवा चाहिए ये पूछ। नहीं, मुझे अच्छी दवा चाहिए, ये प्रश्न भी ऐसा है। देखिए, आप अपना नाड़ी परीक्षा करवाओ, आपकी प्रकृति पहले जानो, आपका वात प्रकृति हो, कच्ची चीजें आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। आपकी पित्त प्रकृति हो, बहुत लंबा गैप छोड़ने से आपको ठीक नहीं बनेगी। आपका वात प्रकृति हो, या वात कफ हो, या वात पित्त हो, इस हिसाब से जो आपका गुण दोष है उसके अनुकूल आपको अपना भोजन का सेट करना चाहिए। मान लो आपका शुगर बहुत हाई हो रहा है तो तब ये कर सक, 2 बार ही खाना खाइए तब भी कंट्रोल आता है। किसी किसी को, कोई कोई कहते हैं कि 5-6 बार थोड़ा थोड़ा सा भोजन करके देखो, दोनों करके देखो, जो तुम्हारे लिए तुमको ठीक लगता है, अच्छा लग, वो तुम्हारे लिए है। आज लोग, डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी जो प्रकृति उसके हिसाब से तुम खाना खाओ, कि पता नहीं तुम्हारे तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे दादा दादी नाना नानी जो खाना खा रहे थे वही खाना तुम्हारे लिए सूट होगा, कि तुम्हारे डीएनए उसके लिए एडजस्ट हो गई है सदियों से। मान लो तुम्हारे घर में हमेशा सब रोटी ही खाते आ रहे हैं, तुम रोटी छोड़ के कुछ और खाने लगोगे तो वो जमेगी नहीं बात। या तुम्हारे घर में ये दही चावल खाने का रिवाज है घर में, यहाँ दक्षिण में तो दिन में भी रात में भी दोपहर में भी सब दही चावल खाते हैं, और वो छोड़ दे तो उनको शरीर में कुछ ठीक नहीं बनते। विदेश में कहते हैं जो डायबिटीज हो जाए तो उनको बोलते हैं कि नहीं, तुम रोटी छोड़ दो, सारा रोटी छुड़वा देते हैं, चावल खाओ बोलते हैं। यहाँ तुम लोग चावल खा रहे हो तो लोग डॉक्टर बोलते नहीं, चावल छोड़ दो, रोटी खाओ। ये दक्षिण भारत में तो चपाती सबको बनाना आता भी नहीं है, और डायबिटीज परेशान होते हैं वो तो। यहाँ दक्षिण भारत में रोटी गोल गोल नहीं होता, वो भारत की मैप जैसे होती है कभी कभी, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना आपके घर वाले को, इनके घर वालों को आता है ना, माता पिता कभी करते हैं रोटी इस तरह का, कभी कभी बनाते हैं। रोटी बनाना तो ये कुछ विशेष घर में हो तो कभी तभी बना दे कोई। आप कहें रोज रोज रूम के रोटी रोटी खाना है तुमको, वो बनता। तो यही हमें अपना जो प्रकृति के अनुगुण क्या है उस हिसाब से तुम अपना पौष्टिक आहार करो। जरूर सब्जी लेना चाहिए, मगर तुम्हारी यदि वात प्रकृति हो तो कच्चा सब्जी बिल्कुल छुओ मत, क्यों तुम्हें पचेगा ही नहीं, वो हजम ही नहीं होएगा, और हजम नहीं होता है तो उससे और परेशानी होती है ना। तो अपनी प्रकृति पहले तलाश करो, फिर उस हिसाब से जरूर सब्जी लेना चाहिए, या कच्चा या उबला हुआ प्रकृति के हिसाब से। और हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्च ही स्टार्च लेते रहते हैं। चावल, आलू भी स्टार्च है, चावल भी स्टार्च है, और रोटी और सब्जी भी बनाते तो मक्के के कॉर्न वाले सब्जी बनाते, कॉर्न भी स्टार्च है। अब ये सब कुछ स्टार्ची स्टार्च हो गया, फिर आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू टमाटर बैंगन के अलावा आपको कोई सब्जी नहीं दिखता है। और इन तीनों में कोई ऐसी पौष्टिक चीज है ही नहीं। बैंगन को तो बुद्धिजीवी लोग इस देश में निषेध भी कर रखे हैं,
बहुबीज करके, जैन लोग नहीं खाते हैं बहुबीज करके, बैंगन नहीं ठीक है उसमें, कोई ऐसी पौष्टिक अंश नहीं है, बल्कि वो बहुत ज्यादा खाने से टॉक्सिन्स भी बन सकते उससे। क्या मतलब ये नहीं बैंगन खाओ ही नहीं, ये नहीं बोल रहा बैंगन की भजिया वो ये कभी खा लो कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो रोज रोज वही खाते रहो, बैंगन आलू आलू टमाटर टमाटर ये सब, इसमें ऐसे हाई प्राण नहीं है। अब कद्दू जिसमें इतना प्राण अधिक है, कद्दू तो बहुत अच्छा है, कद्दू का पानी कद्दू का जूस और कद्दू का सलाद बना के खाओ, कद्दू में बहुत प्राण है। हमारे गांवों में क्या कहते हैं, कद्दू देखते बामन को दे दो, कद्दू तो सिर्फ बामन ही खा सकता, अब दूसरे लोग नहीं खाते, ये पता नहीं किसने ऐसे ये खफा उड़ा दी, कद्दू तो सिर्फ बामन का है, ब्राह्मण ही खाते हैं उसको, नहीं कद्दू सभी खा सकते हैं, कद्दू खाओ बुद्धू ना बनो थोड़ा बुद्धिमान तो बन जाओगे उससे। और कुछ लोग का ये धारणा है जमीन के नीचे जो होता है वो सब खाना नहीं चाहिए, मूंगफली भी भाई जमीन के नीचे ही होता है, और मूंगफली ना खाओ गाजर ना खाओ और क्या खाओ, किसी का दिमाग पहले वो बंद करे, इसका दिमाग खाना बंद करो, वही प्रश्न बार बार एक व्यक्ति को पूछते जाओ या अपने ही मन में उलझते जाओ, इससे बेहतर है कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। गाजर अच्छी है शरीर के लिए, अच्छा है, जमीन के नीचे उग रहा है इसलिए तुम्हें जमीन के नीचे ले जाएगा, ऐसा नहीं है, पानी तो भाई कुएं में नीचे ही रहता है, तो पानी पियोगे तो तुम नीचे चले जाओगे, ये सब भैम ऐसे पैदा कर दी गई है हमारे देश में, बहुत भैम फैला दिया ऐसे। अरे पानी सबसे नीचे जगह जाके रुकती है, अब ये पानी सबसे नीचे है इसीलिए कुएं खोद के तो पानी निकालना पड़ता है, जमीन के नीचे पानी है तो वो ना पियो तो क्या करे तू, बादल किस और देखते हो मुंह खोल के बैठो, ऊपर से पानी आएगा तो पिएंगे, ये सब भूल है गलत है। अरे किसी विद्वान ने उनके मन में जो लगा, या विद्वान कहो या अविद्वान कहो, किसी ने कुछ लिख दिया तो तुम्हें उसको अंधे हो करके उस चीज को ऐसे फॉलो करते हो, ये कोई मतलब नहीं है इस बात पे। मैं कहता हूँ जमी खंद है ये सूरन है, ये सब में पौष्टिक अंश है, शकरकंद है वो भी जमीन के अंदर होता है, शकरकंदी में इतना अच्छे अच्छे गुण है, तुमको यदि शुगर की बीमारी हो तो शकरकंदी जरूर खाओ, आंख के लिए अच्छा है शकरकंदी से, त्वचा के लिए अच्छा है, इसका लाभ बहुत है। ऐसे मूंगफली कहते मूंगफली का तो इतना गुणगान गाते हैं, गरीबों का बादाम है वो, प्रोटीन है वो, मूंगफली खाइए, तो ये सब लेना चाहिए, ये इन बातों पे मत पड़िए, जमीन के अंदर वाली चीज जो है खराब है। हाँ अति सर्वत्र वर्ज्य, या किसी चीज को अति नहीं करना चाहिए, मूंगफली अच्छा कोई कह दिया तो बस कटोरी भर भर के मूंगफली दिन रात वही खाते रहे और पित्त बढ़ जाए, फिर दिमाग ऐसे घूमने लगेगा, फिर हम यही करते हैं, यदि पौष्टिक के नाम से यदि हम जाते हैं तो अति कर बैठते हैं ना। अति सर्वत्र वर्जित, पूर्वजों ने कहा है अति सब जगह अति को छोड़ना चाहिए, किसी भी जगह सही अति ठीक नहीं है।